हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बीएससी के रिगार्डिंग आज हम जो लीनियर अलजेब्रा मैथ है उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, जो चैप्टर नंबर है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इससे पहले जितने भी लेक्चर्स किए हैं आपके पास वन बाय वन आगे होंगे, आपने देख लिया होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं, फिर रैंक नलिटी, रैंक और नलिटी कैसे निकालते हैं। आफ्टर दैट हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वन वन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं वो देखा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या है वो चीज भी समझी। ठीक है ना, तो आज उसी के आगे जो हमने अभी रिसेंटली वन वन ऑन टू सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाली अभी जो एक वीडियो में समझा था इसका बेसिक्स, उसके रिगार्डिंग आज हम कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो आगे और भी बताना चाहूंगी आपको कि क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हम कर ही रहे हैं, प्लस बीएससी के रिगार्डिंग या टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग मैथ मेंटर ऐप आपकी बन चुकी है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको पर्टिकुलर आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रॉपर मिल जाएगा, प्लस इंजीनियर मैथमेटिक्स का भी कॉलम बना हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियर मैथमेटिक्स में भी है। तो चलिए देखिए, ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस वे से डिफाइन हो रही है और हमें ये बताना है, शो करना है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बाइजेक्शन है। बाइजेक्टिव मतलब वन वन एंड ऑन। ठीक है ना, बाइजेक्टिव मीन्स आपको मालूम है कि हम उसे वन वन भी करेंगे और ऑन टू भी करेंगे, दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो चलिए पहले वन वन के लिए देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि वन वन प्रूव करने के आपके पास टू ऑफ मेथड हैं, चाहे तो आप टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ वाई लेके चलो और एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूव कर दो। ठीक है ना, सेकंड मेथड क्या बताया था कि आप टी को क्या प्रूव कर दो, इज नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर। ये टू मेथड हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो, कोई भी एक चीज हो जाती है तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है, वन वन हो जाती है। ठीक है ना, तो चलिए मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मैक्सिमम नॉन सिंगुलर से ही सॉल्व करूंगी, वैसे आप फर्स्ट वन भी ले सकते हैं, उससे भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या था कि जो नल स्पेस है वो जीरो एलिमेंट कंटेन करे, यही था नल स्पेस। तो जो नल स्पेस थी वो क्या होती है, हम टी ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्योंकि एक्स कॉमा वाई है, जेड नहीं है, अगर जेड होता तो वो भी ले लेते, इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, जीरो कॉमा जीरो, और प्रूफ करेंगे कि जो एक्स और वाई आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, जीरो ही आ रहे हैं। ठीक है ना, इससे पहले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन हो रही है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, यही से ही आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, एक्स माइनस वाई जीरो और एक्स प्लस वाई जीरो, टू इक्वेशन बन गई। तो चलिए यहां पे अगर मैं x प्लस वाई जीरो रख लेती हूँ, ये कैंसल, 2x इज इक्वल टू जीरो, तो x कितना आ गया आपका, जीरो। और यहां से आपको पता चल रहा है x इज इक्वल टू वाई है, अगर x जीरो तो y भी क्या आ गया, जीरो। दैट मीन्स अगर मैं कोई एलिमेंट जिसकी इमेजेस जीरो कॉमा जीरो लेके चली थी, वो एलिमेंट x और y भी क्या आ गया, जीरो जीरो। हेंस हमारा t क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। ठीक है, टी क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। ओके, तो चलिए अब आती है आपके पास ऑन टू की टर्म। ऑन टू में हम क्या लेके चलते हैं कि लेट, हम लेट कर लेते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट इसमें है उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक एलिमेंट यहां पे होगा। ठीक है ना, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच डेट, इसके क्रॉसबॉन्डिंग ए और बी की वैल्यू निकालनी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, थोड़ी स्पेस डालनी थी मैंने। एक मिनट, इसको मैं दोबारा लिखना चाहूंगी। यहाँ पे ना ए कॉमा बी नहीं लेते हैं, क्योंकि ना ऑलवेज हम एक्स स्क्वायर एक्स कॉमा वाई में करते हैं ना, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ए कॉमा बी बिलोंग कर रही है आर स्क्वायर में, देन देयर एग्जिस्ट
एक्स कोमा वाई इसकी हम वैल्यू निकालेंगे वो कौन सा आएगा एलिमेंट एक्स कोमा वाई जो बिलोंग करता होगा आर स्क्वायर सच डेट टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू ए कोमा बी आएगा। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ये आएगी। अब टी ऑफ एक्स कोमा वाई क्या है आपके पास, ये एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए कॉमा बी, लिख लिया। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। हमने करना क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई लिखा है इज इक्वल टू बी, यानी कि मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ ए बी, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पे ए बी लिख के चले थे तभी मैंने इस फॉर्म में लिखा, यहाँ पे स्पेस छोड़ दी। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो वो a प्लस वाई आ रहा है, यहां पे फिल कर दें a प्लस वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि हमने वैल्यू a और b में लेके आनी है x और y की, तो ये तो 2y हो गया b माइनस ए, तो y कितना आ गया b माइनस ए बाई टू। ठीक है ना, y की वैल्यू यहां फिल कर देते हैं x सॉरी a प्लस बी माइनस ए बाई टू, जैसे आप एलसीएम लोगे 2a माइनस ए ए प्लस बी बाई टू, यानी कि एक्स भी ए आ गया वाई भी ए आ गया, यस विजिबल है आपके पास। तो अब हम यहाँ पे ये हमने निकाल लिया ना, है ना, हमने निकाल लिया ना, तो अब हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि इफ ए बी बिलोंग्स टू दिस देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई हटा भी सकते हो इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी आई है ए प्लस बी बाई टू और वाई की वैल्यू कितनी आई है बी माइनस ए बाई टू, ये भी तो आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा सच डेट टी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ए बी, है ना, बन रहा है। कैसे बन रहा है अभी देख सकते हो आप, मैं ये वन वन वाला रेज कर दूं, चाहे आप एक्स और वाई यहां पे निकाल लेते हो ना, एक्स और वाई यहां पे निकाल ली, तो आप यहां पे भी लिख सकते हो कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, दोबारा लिख सकते हो इस चीज को, देन देयर एग्जिस्ट कौन सा एलिमेंट आया, एक्स की वैल्यू आई है ए प्लस बी बाय टू और बी माइनस ए बाय टू बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच डेट टी ऑफ, अगर ए प्लस बी बाय टू लूंगी बी माइनस ए बाय टू लूंगी तो मेरा क्या आएगा ए कॉमा बी आएगा। कैसे देख लेते हैं, अब एक्स माइनस वाई था इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, पहले माइनस ए प्लस बी बाय टू माइनस बी माइनस ए बाय टू, फिर इन दोनों के बीच में क्या था प्लस। ठीक है, अब को सोचिए इनके बीच में माइनस है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, माइनस बी बाय टू कैंसिल, ए बाय टू प्लस ए बाय टू ए रह गया वो हाफ प्लस हाफ, सिमिलरली यहाँ पे ए और ए वाला कैंसिल हो जाएगा बी बाय टू प्लस बी बाय टू बी आ गया ना, कि ये लेके चले वो इक्वल किसके आ गया ए बी के, हैंस ये हमारा क्या हो गया ऑन टू। ठीक है ना, तो ये जो मैपिंग थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो वन वन भी हो गई और ऑन टू भी हो गई, अगर वन वन और ऑन टू है तो बाइजेक्टिव, क्लियर है जी, वन वन ऑन टू तो बाइजेक्टिव। अभी एक एग्जांपल और करवा रही हूँ जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिख ली है, क्या लिखा है एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अब आर क्यूब से आर क्यूब तक है जो डिफाइंड हो रही है। देखिए पहले जो थी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड में, जब एक्स वाई में टू में है तो एक्स वाई आएगा, थ्री में है तो एक्स वाई जेड आएगा, उसमें रिलेशन आपको दे रखा था, लेकिन अब आपको क्या दे रखा है, अब आपको इमेजेस दे रखी है, है ना, जैसे हम यहाँ पे लेके चलते थे ना टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी, ई वन की इमेजेस अगर हम लगाएंगे तो वो e1 माइनस e2 आ रहा है। ठीक है ना, वो हमें ये बता रहे हैं, ये इमेज जो यहाँ पे एक्स वाई जेड का रिलेशन बनता ना वो नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, वो नहीं दिया हुआ, और ये जो e1 e2 है ये क्या है स्टैंडर्ड बेसिस है। दैन हमने t को सिंगुलर करना है, भाई सिंगुलर करना है, नॉन सिंगुलर करना है, वन वन करना है, ऑन टू करना है, चारों में से कुछ भी आपने ट्रांसमिशन को प्रूफ करना है तो आपके पास ये जो इसका डिफाइंड है एक्स वाई जेड में वो होना चाहिए। ठीक है, वो नहीं है तो क्या करेंगे, तो पहले हम ये एक्स वाई जेड वाला रिलेशन निकालेंगे क्योंकि यूजर बेसिस है, बहुत इजी से निकल के आएगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं कैसे।
अब ये यूजुअल बेसिस है तो ई वन क्या होगा भाई 100 है ना, और ई टू कैसे होगा 010। बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूजुअल बेसिस हम ये आइडेंटिटी एलिमेंट के अकॉर्डिंग लेते हैं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन रही है वो, ठीक है ना। अब टी ऑफ ई वन यानी कि टी ऑफ 100 क्या बन रहा है, ई वन माइनस ई टू, इन दोनों की माइनस बन रही है, सॉरी ई वन ई टू की माइनस बन रही है। 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 0 0 यानी कि ये आपके पास ये निकल के आई, ठीक है ना। उसके बाद टी ऑफ ई टू यानी कि 010 ये आपके पास क्या आ रहा है, 2 ऑफ E2 इसका डबल करना है, प्लस करना है E3। जब आप इसका ट्वाइस करोगे तो ये एलिमेंट्स क्या बन के आएगा, लिखना चाहो तो हो जाएगा 020 यही आएगा भाई, ट्वाइस करोगे तो 00 ये तो 0 ही आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, क्योंकि इनके बीच में प्लस मेंशन था, ठीक है, प्लस मेंशन था। फिर टी ऑफ E3 क्या था, 001, ठीक है। टी ऑफ E3 आपको क्या दे रहा है, तीनों का सम। देखो तीनों का सम करोगे 100 1 आ गया, सारे एलिमेंट्री इसमें तो 1 1 1 आएंगे, क्लियर है, क्लियर है। तो हमने E1 उस तरफ जाके क्या बन रहा था, वो इमेजेस निकालनी भी, ये इमेजेस बन रही है। अब हमारे पास तीनों इमेजेस आ गई, अब हमने इसको एक्स वाई और जेड के रिलेशन में लेके जाना है। देखो वैसे तो मैं हल्का सा मेथड ही बता देती हूँ ट्रिकी बेस पे कैसे आएगा, लेकिन एग्जाम में आप इसे कैसे लिखते हो वो बता देती हूँ कि हम लेट करेंगे, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, हम एक लेट कर लेंगे भी एक्स वाई और जेड, एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है आर क्यू में, है ना, सच डैट कि हमने एक्स वाई जेड को कैसे लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन में किसके, या एक्स है ना इंटू बेसिस 100 प्लस वाई 010 प्लस जेड 001। मैंने पहले ही बोला हुआ है अगर यूजुअल बेसिस है तो सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अब अगर मैं इस पे ये लाइन लिख ली, नेक्स्ट लाइन में आ गया, अगर मैं इस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाती हूँ तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सेपरेट लिख सकते हैं, तो एक्स इंटू टी ऑफ दिस एक्स इन वाई और ये बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकाली हुई है, ये यानी कि एक्स इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस वाई इंटू 0 2 1 प्लस जेड इंटू 1 1 1। आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, देखिए टी ऑफ एक्स वाई और जेड यही निकालनी थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहला एलिमेंट एक्स वाई 0 हो गई प्लस जेड, सेकेंड माइनस एक्स प्लस 2 वाई प्लस जेड, थर्ड एलिमेंट ये एक्स 0 वाई प्लस जेड, आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो आप एमसीक्यू स्टाइल में कर रहे हो ना तो आपको ना ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हम जब प्रॉपर सॉल्व करते हैं तो करना पड़ेगा, बीएससी में इंजीनियरिंग में करना पड़ेगा, लेकिन अगर यही टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे एमसीक्यूज में आ जाता है तो स्टेप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो निकालना पड़ेगा आपको, ये तो एक सेकंड में निकल गया। तो देखो पहली वैल्यू एक्स ये 0 हो गया जेड एक्स वाई जेड, ठीक है ना, अगले में माइनस एक्स प्लस 2 वाई प्लस जेड आ गया, अगले में एक्स 0 वाई प्लस जेड आ गया, इसी से बना सकते हो आप डायरेक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए इसमें से दो क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो इसमें से आ सकता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करो, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल गई, लेकिन इन्होंने तो हमें पूछा था सिंगुलर, तो सिंगुलर लेके चले। चलिए ये सब आपका क्लियर हो गया होगा, मुझे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ओनली, ये सब लेस कर देती हूं मैं, ठीक है ना। अब सिंगुलर के लिए क्या था, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर लेके तो वही चलना है, क्या चीज लेके चलनी होती है भाई, वी टी वी इज इक्वल टू 0 ये लेके चलनी होती है, अगर वी 0 आ जाता है तो नॉन सिंगुलर, अगर वी नॉट इक्वल टू आ जाता है तो सिंगुलर, यही थी हमारी डेफिनेशन, तो चलिए लेके चले टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वल टू 0 लूंगी। चलिए डायरेक्ट ले लो भाई, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैंने इक्वल टू 0 लिया तो एक्स प्लस जेड क्या आ गया 0, माइनस एक्स प्लस 2 वाई प्लस जेड भी क्या आ गया 0, वाई प्लस जेड भी क्या आ गया 0,
यहां से मेरी क्या वैल्यू आई, एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड, यहां से क्या वैल्यू आई, वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहां भी कर देती हूं माइनस एक्स, सॉरी एक्स की जगह पे मैंने माइनस जेड भी करना था, तो वो जेड बन गया, क्योंकि तो माइनस और माइनस माइनस, ये माइनस जेड था ना, पर इसका रिलेशन जेड जेड और जेड में आया है ना। वाई की वैल्यू जेड, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं जेड फिल करती हूं, ये हो गया माइनस टू जेड प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। भाई ये तो सारे कट हो गया, यानी कि इसमें तो जेड रहा ही नहीं, दैट मीन्स ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल नहीं कर सकते, तो यहां पे तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। हाँ, अगर यहां पे जेड रह जाता तो हमारा जेड क्या आ जाता, जीरो, जेड जीरो हो जाता, वाई जीरो हो जाता, एक्स जीरो हो जाता, फिर ये नॉन सिंगुलर चला जाता। लेकिन मेरे पास इस इक्वेशन में कोई वेरिएबल रहा ही नहीं एक्स वाई जेड, तो मैं नहीं फिल कर सकती। तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस जेड आ रहा है, ये आ रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, दैट मीन्स नॉन जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं लेट कर लू जेड को वन के कुछ भी ले लेती हूँ, जेड को अगर वन ले लेती हूँ तो एक्स और वाई दोनों क्या आएंगे, माइनस वन आ जाएंगे। दैट मीन्स मेरा जो एक्स वाई जेड वाला वेक्टर था वो वन, सॉरी माइनस वन वन आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगी, सिंगुलर प्रूफ, ठीक है, समझ में आया। ऐसे हम इसको सिंगुलर प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं रह रहा था, दैट मीन्स ये इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हमें इसे स्किप करना पड़ेगा। तो यहीं से हमारा रिलेशन बन के आया, इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं आ रही, समथिंग जेड आ रही है, जेड की वैल्यू कुछ भी लोगे तो नॉन जीरो ही लेते, वैसे हमारा नॉन जीरो होता है वैसे तो नॉन जीरो होता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहां पे ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके रिगार्डिंग आपकी ये फुली एक्सरसाइज वन वन ऑन टू सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाली सारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड